70 साल से जिन्होंने मुट्ठी में दबाया हुआ है ना, उनको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। इसको समझें, ये एक तहरीक बनती जा रही है। आप जितना मर्जी डराएं, खौफ ज़दा करें, लोगों को मारें, लोगों को उठाएं, लोगों के कपड़े उतारें, यानी ये हरकतें तो मुशर्रफ ने भी नहीं की थी जो अब हो रही हैं। तो इतना जुल्म ना करता, लेकिन डिक्टेटर से ज्यादा जुल्म करने के बावजूद ये लोगों का आप जज्बा देख लें। ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, पाकिस्तान को इकट्ठा करें। आप यूएन से इंक्वायरी करवा लें, सारे जानते हैं कि अरशद भाई को किसने मारा है, सबको पता है पाकिस्तान में वो कौन था जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान छोड़कर बाहर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमजद एजाज़ है, आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो के लिए अपना वक्त निकाला। एक बहुत ही बड़ी खबर, सहाफ़ी इमरान रियाज बाज़ियाब घर पहुँच गए हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें, एक बहुत बड़ी खबर, सहाफ़ी इमरान रियाज बाज़ियाब घर पहुँच गए हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी, सहाफ़ी इमरान रियाज बाज़ियाब घर पहुँच गए हैं। ये सियालकोट पुलिस ने बताया है कि सहाफ़ी इमरान रियाज बाज़ियाब घर पहुँच गए हैं।